प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजी अलाई खान जी। तो ये वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग होगी उतनी दमदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मुसलमानों में सिर्फ नाज़े इलाही खान ही ऑपोजिट क्यों चल रही हैं? 4 बिलियन मुसलमानों एक डायरेक्शन में और नाज़े इलाही खान दूसरे डायरेक्शन में है। आज कुछ ऐसे सवालात इनसे पूछेंगे क्योंकि इन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ी और पहली खातून है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये कदम लिया। पाकिस्तान में भी कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। अब जो केस नाज़े इलाही खान मुसलमान और स्पेसिफिकली मौलाना के सामने रिप्रेजेंट कर रही है वो बहुत ही, मैं कहूंगी, खतरनाक किस्म का है। ईद है, 4 बिलियन लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे और औरतें नमाज घर में पढ़ती हैं और जो मर्द हैं वो ईदगाहों में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में पढ़ते हैं। लेकिन नाज़े इलाही खान, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये 3 रिक्वेस्ट इनकी ना खुदा मस्जिद को जा चुकी है। सबसे पहले ये नेम ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया, ज्ञान वापी मस्जिद, ना खुदा मस्जिद। ये भारत के अंदर मस्जिदों के नाम किस प्रकार के रखे जा रहे हैं? खैर, सवाल मेरे पास आज बहुत तल्ख से हैं और नाज़े इलाही खान से हम बहुत सी बातें करने वाले हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, वेलकम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहु। शैला जी, थैंक यू। मैम, सबसे पहले मुझे ये मस्जिद बताएं जहां पर आप मौलाना को बार बार लेटर भेज रही हैं कोर्ट की तरफ से कि जी मुझे परमिशन दी जाए, मैंने यहां पर ईद की नमाज भी पढ़नी है, साथ साथ मैंने तमाम मुसलमान मर्दों को एड्रेस भी करना है माइक पे, जिस तरह एक मौलाना करता है। लेकिन ये ज्ञान वापी और ना खुदा, ये कैसे नाम है भारत की मस्जिदों के? ना खुदा मतलब ये क्या क्या नाम है? ये खुदा है ही नहीं, यही नाम है। ये ऐसे नाम तो नहीं होते मस्जिद के? मैंने देखा है कि आपने कई बार अपने पाकिस्तान में भी पब्लिक रिएक्शन से पूछा था, पब्लिक रिएक्शन के वक्त में, कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम हो सकता है, तो एक्चुअली भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है कि नॉलेज का कुआं, वेल ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक नाखुदा मस्जिद है और जहां पर मैं बैठी हुई हूँ यहाँ से मात्र 10 मिनट का डिस्टेंस है, मात्र 10 मिनट। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान तो बहुत जियोपॉलिटिक्स की खबर रखता ही है, हमारे जीडीपी की खबर रखता ही है, साथ साथ हमारे इकोनॉमी की खबर रखता है, हमारे मेड इन भारत की खबर रखता है, हमारी सेना की खबर रखता है, हमारे इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की खबर रखता है, पर पाकिस्तान के डेटा में नाज़िया इलाही खान बहुत खास और स्पेशल हो चुकी है कि नाज़िया की पूरी खबर पाकिस्तान को पहुंच जाती है। जी देखिये, मुझे कभी कभी एक चीज एहसास होती है कि शायद जितना मैं डेप्थ में चीजों को पढ़ती हूँ, डीप डाउन जा करके पढ़ती हूँ और एक और बहुत सारे नॉलेज को मैं अपने दिमाग में रखती हूँ, जिस तरह से नमाज एक संस्कृत शब्द है उसी तरीके से ये मस्जिद का नाम नाखुदा है। अब आपकी आंखें नमाज एक संस्कृत का शब्द कैसे हो सकता है? हाँ, जो 5 वक्त नमाज हम पढ़ते हैं हमारे अल्लाह तबारक ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजल कर करके जो हम तहलीमा बांधते हैं और अपने नमाज को के लिए हम जो आयतें पढ़ते हैं वो एक्चुअली में वो नमाज संस्कृत से लाया हुआ अल्फाज है। हमारे अल कुरान में, हमारे अल कुरान में हर जगह नमाज कहीं नहीं लिखा हुआ है, सलात लिखा हुआ है। और ये बड़ी वजह है कि जब ईद और बकरीद की नमाज होती है तो उसको सलात कहा जाता है और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि ईद की सलात पढ़ने जा रहे हैं, बकरीद की सलात पढ़ने जा रहे हैं। और जब हम लैलतुल कद्र और शबे कदर मनाते हैं रमजान में तो उस वक्त भी हम कहते हैं कि हम तो सलात पे बैठे हैं, अभी उस वक्त हम सलात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसे नॉर्मली जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान खास करके, वो नमाज का शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपसे बताना चाहूँ, हालांकि सऊदी अरबिया, ईरान, तुर्किस्तान ये नहीं करते हैं नमाज, ये नहीं कहते हैं, ये सलात ही कहते हैं, ये जुमा की सलात ही कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि नमाज शब्द जो है वो ना उर्दू में आता है, ना फारसी में आता है, ना ब्रज भाषा में आता है, ना अरबी में आता है। अल कुरान में भी नमाज कहीं पर जिक्र नहीं है, सलात का जिक्र
हजारों जगह है। नमाज का शब्द संस्कृत धातु नमज आया था, संस्कृत के धातु से नमज आया था और यह शब्द ऋग्वेद से निकला था जिसका मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना, आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। ऋग्वेद में नमज, नमज कई बार लिखा हुआ है, अगर ऋग्वेद आप पढ़ेंगी या आप कहेंगी तो मैं आपको भेज दूंगी। नमज का मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। अब ये शब्द जो है नमाज, ये नमज, नमज जो शब्द है ये भारत से सफर करता हुआ ईरान तक पहुंचा और फिर ईरान के लोग जहां जहां सफर किए वहां के मुसलमानों ने इस नमज को नमाज करके अपने इतना अट्रैक्ट हो गए कि उन्होंने नमाज को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इस शब्द की शब्दावली का अर्थ जो है वो बहुत खूबसूरत है, आदर और भक्ति है, लेकिन ऋग्वेद और संस्कृत से ही लिया हुआ है। तो संस्कृत में कितनी खूबसूरत बातें हैं और ऋग्वेद में कितनी खूबसूरत बातें हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कितनी खूबसूरत बातें हैं, ये आपको इससे समझ में आ चुका होगा। तो आप सोच लीजिए कि जो नमाज पढ़ी जा रही है जब वही लफ्ज जब संस्कृत से लिया गया है तो ना खुदा मस्जिद में खुदा ही नहीं है पर वहां पर पांच वक्त नमाज होती है। अब आपका नाम बड़ा स्ट्रेंज है जी। हाँ, स्ट्रेंज नाम रहता ही है यहाँ पर। अब आपका सवाल शैला आया था कि भाई 4 मिलियन मुसलमान है, 4 बिलियन मुसलमान है, आप ये क्यों ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शैला, मुझे ऐसा लगता है कि इक्वल राइट तो अल्लाह तबारक ताला ने और अल कुरान ने हमें दिया है। कुरान की कई वर्सेस, कुरान की कई आयत और कई सूरा इस बात की पुष्टिकरण करती है और इस बात की दुहाई देती है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक ताला ने अबू मर्तहद और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा जितनी भी आयतें उतारी थी उन आयतों के कई वर्सेस में ये बताया था कि उनकी नजर में मर्द और औरत बराबर है, किसी का दर्जा ऊंचा नहीं, किसी का दर्जा नीचा नहीं, वो इक्वल राइट और इक्वल इज्जत रिस्पेक्ट दोनों जेंडर्स को देते हैं। अब आती है बात कि मुसलमान जब से इस्लाम में औरतों को मस्जिद के अंदर दाखिल करना मना किया गया तब मुसलमान मर्दों का, इस्लाम मानने वाले मर्दों का एक एक्सक्यूज था जो बहुत ही अय्याश और बहुत ही बेहुदा एक्सक्यूज था। वो एक्सक्यूज ये था कि मर्दों की नमाज के दौरान नियत ना बिगड़ जाए इसलिए औरतों का, खवातीनों का मस्जिद में आना सही नहीं है, आपके अश्लीलता की वजह से, आपके नजरों की खराबी की वजह से, आपके नजरों की बेहूदगी की वजह से अल्लाह का घर मस्जिद हम कैसे छोड़ दें और हम क्यों छोड़ दें। अब आती है तीसरी बात शैला जी, जब यही मुसलमान तवाफ करने के लिए मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जाते हैं तब तो मर्द और औरत साथ होते हैं। ये मेरा पॉइंट है। यस हां, तब जब हज करने जाते हैं तब तो फिर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में तवाफ भी साथ में करते हैं, शुक्राने की नमाज भी साथ में पढ़ते हैं, कुर्बानी भी साथ में खड़े हो करके देते हैं, उस कुर्बानी के गोश्त को जो लोग मिट्टी में दफन करते हैं वो भी साथ में करते हैं, वजू भी साथ में करते हैं, सलात भी साथ में करते हैं और तहलीमा भी साथ में बांधते हैं, सजदा भी साथ में करते हैं, रुकू में भी साथ में जाते हैं, तो सारी चीजें तो साथ में करते हैं। और उसके बाद जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है पाकिस्तान और भारत में मुसलमानों की, वैसे ही इनका अल कुरान चेंज हो जाता है, बस लैंड करते ही चेंज हो जाता है। चौथी बात मैं शाला बोलना चाहती हूँ कि आकर मुसलमान मर्दों को विवाह रचाने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, मोहब्बत करने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, संस्कार होती है ना, और ईद की नमाज में बुला करके भाषणबाजी करने के लिए भी ब्राह्मण हिंदू पसंद। जिस पश्चिम बंगाल के नाखुदा मस्जिद में मैं जाना चाहती हूँ और वहां पर मैं एडुकेशन एम्पावरमेंट की स्पीच देना चाहती हूँ, ईद की नमाज अपने हक के और अपने इस्लाम के हुकूक के साथ साथ मैं मस्जिद में सफ के साथ खड़े होकर के पढ़ना चाहती हूँ, 2 दिन बाद ईद की सलात, वो मेरा हक है, मेरा इस्लामिक हक है। जब उसी से 10 मिनट की दूरी पर रेड रोड में पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बैनर्जी एक ब्राह्मण घर की बेटी होकर के, एक ब्राह्मण हिंदू होकर के, शाही इमाम के बगल में खड़े होकर के, सर पे दुपट्टा रख करके पॉलिटिकल हेटरेट और प्रोवोकेटिव स्पीच दे सकती हैं,
मुसलमान मर्दों की भीड़ में ईद की नमाज के वक्त, तो नाजिया इलाही खान शिक्षा कुरान का पहला वर्ड इकरा की स्पीच क्यों नहीं दे सकते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा, भारत की बहादुर बेटी या फिर कहें हिंदुस्तानी शेरनी जो पहली महिला बनी जिन्होंने मस्जिद में जाके सारे मर्दों के बीच में नमाज पढ़ी और हमें नमाज शब्द का अर्थ भी बताया कि कैसे नमाज जो शब्द है वो संस्कृत से निकला है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।